मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक घर की छत से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। अचानक घर में लगी आग से आस पड़ोस के लोग भी सकते में आ गए। पड़ोसियों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने क्षेत्रवासियों की मदद से आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद फायर ब्रिगेड टीम को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मकान मालिक खुर्शीद आलम ने बताया कि आग लगने की घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे। गृह स्वामी के मुताबिक आग लगने से उनके घर में लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह अभी भी साफ नहीं हो पाई है। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस फिलहाल आग लगने के कारण का तलाश कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। ये खोकरान मोहल्ले के एक असलम है लड़का, जो पुलिस का सहयोगी है, मित्र भी है। उसने फ़ोन पर सूचना दी कि हमारे मोहल्ले में बहुत भयंकर आग लगी है। उसकी सूचना पर मैंने पहले कंट्रोल रूम को बताया कि फायर ब्रिगेड भिजवा दे, और मैं मौके पर आया तो काफ़ी आगों की लपटें बहुत ज़्यादा निकल रही थी। सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर पानी की बाल्टियों से और पाइप से सबकी मदद से, तभी फायर ब्रिगेड भी आ गई मौके पर ही। सब ने मिल करके आग को काबू पाया। फिर लोगों ने बताया कि एक सिलेंडर अंदर है, तो असलम ने और हमने मिलकर वो सिलेंडर निकाला, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। नुकसान तो मालिक बताएंगे, वैसे कपड़े लत्ते थे इनके और अलमारी वगैरह थी, वो जल गई। कारण तो देखो, मौके पर अभी धुआं हुआ, अभी तो धुआं है, देख के ही बताया जाएगा किस कारण से आग लगी। हो सके शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, ये भी देखा जा सकता है। मेरा नाम है खुर्शीद आलम। खुर्शीद, क्या हुआ बताइए? अचानक घर में आग लगी, मतलब मस्जिद में सब लोग शादी में गए थे, बच्चे सब सारे, चारों लड़की है, मतलब लड़की है घर में, बच्चे सब वहाँ गए थे। अचानक 10 मिनट पहले मैं मस्जिद में से वहाँ आया था, घर से मस्जिद में बैठने की थी, उसके बाद 10 मिनट बाद आवाज़ आ गई तो हमारे घर में आग लग गई। कैसे लगी, क्या लगा, घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी, एक सेबल जल रही थी, 5 बाल्टी बस। कितना नुकसान हुआ? करीबन 3-6 लाख रुपये गैस था। अच्छा, कोई जनहानि हुई है? हाँ ना, जान नहीं होता, गैस था, कपड़े लत्ते सब जल गए। किस कारण लगी कुछ पता है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।